साल दर साल टीम इंडिया के फैंस के मन में हमेशा रहा है एक ही सवाल, आखिर कब खत्म होगा आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सूखा। साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप हुआ। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया, लगातार 10 मुकाबले जीते और फाइनल में पहुंच गए। कहीं ना कहीं उम्मीदें जग गई और बहुत ही ज्यादा प्रबलता के साथ ये बात कही जाने लगी कि इस बार तो आईसीसी ट्रॉफी जीतने का इंतजार खत्म हो ही जाएगा। लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया का सपना टूटा और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को मात दे दी और कहीं ना कहीं आईसीसी ट्रॉफी जीतने का जो इंतजार है अब वो थोड़ा और लंबा हो गया। हालांकि ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि 2024 के जून महीने में भी T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। एक और मौका टीम इंडिया का इंतजार कर रहा है कि आइए अच्छा प्रदर्शन कीजिए और वर्ल्ड कप जीत कर जाइए। अब इसी बारे में जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि भाई वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पा रहे, क्या दिक्कत यहाँ पे आ रही है, तो रोहित शर्मा ने अपने अंदाज में एक बात कही है कि अपना टाइम आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारा टाइम आएगा और हम वर्ल्ड कप यहाँ पर जीतेंगे। हालांकि उनके चेहरे पे वो दर्द, वो दुख साफ दिखता है जब जब वो वनडे वर्ल्ड कप की बात करते हैं। रोहित शर्मा हमेशा कहते हैं कि ये शतकों का कोई मायने नहीं होते जब तक आप ट्रॉफी नहीं जीतते। उन्होंने हमेशा कहा है कि मुझे यहाँ पर ट्रॉफी जीतनी है। आगे बोलते हुए रोहित शर्मा ने साफ तौर पे कहा यहाँ पे कि मुझे लगता है कि हमारा समय आएगा और साथ ही साथ हमें सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है और वो है एक अच्छे माइंडसेट के साथ लगातार खेलते रहना और जो पहले हो गया है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए क्या रोहित शर्मा ये आईसीसी ट्रॉफी जीतने का जो सूखा है उसको खत्म कर पाते हैं या नहीं। आगे बोलते हुए कहा है कि ज्यादा सोचना नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो दुख और दर्द उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस बार साल 2024 में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के आईसीसी ट्रॉफी जीतने का जो सूखा है वो खत्म कर पाएगी या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।